आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इंट्राडे स्ट्रैटेजी नंबर 4। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है, ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी मैंने टेस्टेड किया है। इसको मैंने पूरे तरीके से निचोड़ लिया है इस स्ट्रैटेजी को। इस स्ट्रैटेजी में हम दो इंडिकेटर को यूज़ करने वाले हैं। पहला अपना जो इंडिकेटर्स है वो है हेकिंस एशी एंड सेकेंड है स्टोकेस्टिक RSI। ये दो इंडिकेटर के बारे में डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आया है, कौन से फॉर्मूले के ऊपर यूज़ करता है। गाइस अपने को तो क्या डेली पैसा कमाना है और इतने सारे इंडिकेटर है, किस किस इंडिकेटर के बारे में आप डिटेल में जानोगे। सो लेट्स नॉट गो इन टू डिटेल। आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में अंत तक रहना है, तभी आपको ये स्ट्रैटेजी प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। वरना अगर कुछ भी आपने मिस्टेक इसमें की है तो यहाँ पे आपको कोई भी छोटा सा भी मिस्टेक काफी महंगा पड़ सकता है। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा, एक सेल्स एक कॉल परचेस करने के लिए टिप दूंगा, एक स्टॉक परचेस करने के लिए एक टिप दूंगा और आपको मैं वो आखिर में दूंगा। आपको आखिर तक इस स्ट्रैटेजी के साथ रहना है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी। उसके पहले ये डिस्क्लेमर है, इस डिस्क्लेमर को जरूर एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। चलो हम वो स्ट्रैटेजी को समझते हैं और वो स्ट्रैटेजी को हम लाइव समझते हैं तो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, in.tradingview.com ये वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। ये फ्री वेबसाइट है चार्ट के लिए, इसके कोई कॉस्ट नहीं है। इसका प्रीमियम वर्जन वगैरह आप ले सकते हो पर जरूरत नहीं अपने को। ये आप फ्री में है तो फ्री में यूज करो, फ्री में काफ़ी बढ़िया वर्क करती है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे अपने कुछ स्टॉक का नाम डालना है और अभी आप स्टॉक का नाम कौन सा लेंगे, तो रुको मैं अभी स्टॉक का नाम लेता हूँ। एक मिनट, मैं NSE की वेबसाइट पे गया, यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के टॉप टेनर्स और लूजर कौन से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल में कैसा वर्क होता है। तो चलो गाइज आज के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, SCL टेक, सिप्ला। बजाज विंसर बहुत महंगा है, ये अपने बजट में नहीं है, तो इसको SCL टेक और सिप्ला, तो सिप्ला के साथ जाते हैं। ओके, तो सिप्ला डालेंगे यहाँ पे। जैसे सिप्ला का नाम डाला, सिप्ला आ गया, राइट। जैसे सिप्ला का नाम आ गया और यहाँ पे जैसे आप ओपन करते हो तो यहाँ आपको आपको फुल फीचर चार्ट ये दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो गाइस आपको ऐसा एक चार्ट ओपन होता है। तो मैंने तो पहले से लगा लिया था ये सब, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। जैसे आप ओपन करते हो तो आपको ऐसा चार्ट आएगा। आपको सबसे पहले ये 15 मिनट के ऊपर क्लिक करना है। अगर 15 मिनट यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे तो यहाँ पे जाना है, 15 मिनट के ऊपर क्लिक करना है और ये बार चार्ट में जाके हैकिंस ऐसी के ऊपर जाके क्लिक करना है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले आपको 15 मिनट का चार्ट लेना है इंट्राडे के लिए। ये बार चार्ट पे जाके हैकिंस ऐसी की ये देखना है, नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद इंडिकेटर आपको लगाना है स्टॉकेस्टिक RSI, ये यहाँ पे स्टॉकेस्टिक RSI आया है, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, ये स्टॉकेस्टिक RSI इंडिकेटर लग गया। यहाँ पे इंडिकेटर में आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखना है ये अपर बैंड और लोअर बैंड कितना है, 80-20 है, तो इसको गाइज 80-20 मत करो, इसको 70-30 कर लो या 60-40 भी कर सकते हो, इसको 70-30 कर लो। ठीक है, तो ओके कर दो। अब हम पूरी बैक टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे ये कैसा काम करता है। तो गाइस जैसे मार्केट चालू होता है वैसे वैसे ये काम करने लग जाता है। अब देखो इसमें दो लाइनें, एक तो ये ऊपर की लाइन है 70 की, ठीक है, नीचे की लाइन है 30 की। अब आपको कोई भी स्टॉक को शॉर्ट कब करना है और बाय कब करना है। ओके, तो अभी देखते हैं। आज देखिए 25 तारीख को ये मार्केट 9:30 बजे चालू, 9:15 बजे चालू हुआ, तो ये पहली कैंडल बनी है 15 मिनट की हमने लिया, तो ये 15-15 मिनट के गाइस कैंडल्स है सब। 15 मिनट मीन्स 15-15 मिनट की ये सारे कैंडल्स है। ये 9:15 की, ये 9:30 की, ये 9:45 की, तो 9:30 में ये कैंडल बनी। अब देखिए ये 30 के ऊपर जैसे ही जा रहा है और ग्रीन कैंडल पहली है और दूसरी अपने को कंफर्मेशन के लिए और एक ग्रीन कैंडल चाहिए, तो ये सेकंड ग्रीन कैंडल मिल गई, राइट। जैसे ये सेकंड ग्रीन कैंडल मिलती है आपको यहाँ पे स्टॉक को परचेस कर लेना है। जैसे आपने स्टॉक को आज अगर समझो सिप्ला को यहाँ पे 743 रुपये के ऊपर परचेस किया रहता और ये ऊपर जा रही ऊपर जा रही, जब तक ये नीचे आने का ट्रेंड नहीं देती है ना तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, पर आपको यहाँ से इसको परचेस करना है जब स्टॉक वो सेकंड इंडिकेटर दे देगा ग्रीन का, ठीक है ना, सेकंड इंडिकेटर देने के बाद। और तीन चार
आप जैसे यहाँ पे 744 पे रखा रखा आपने, तो तीन चार कैंडल बनने दो, और जैसे कि आपने अगर 748 हो गए, यहाँ पे आ गए तीन चार कैंडल के बाद, इसको आप सेल कर दो 15। ये देखो आपने कितने बजे, 9:30 को आपने बाय किया था 744, और ये आपने 748 आपने सेल कर दिया 10:15 में, आपको 5 रुपये मिल गए एक स्टॉक में। अगर आपने 100 स्टॉक लिए रहते 8,000 रुपये के, 500 रुपये मिल गए रहते। इट्स वेरी इजी, समझ में आ गया? एक बार फिर से बताता हूँ, प्रॉपर सुनो। आपको ये 30 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल आपकी बनती है, और ये देखिए पहली कैंडल कौन सी बनी, ये सेकंड कैंडल कंफर्मेशन के लिए बनी, राइट? सेकंड कैंडल हमें इसलिए चाहिए तो कंफर्मेशन के लिए चाहिए, नहीं तो क्या था ना, इसके पीछे एकदम से रेड बन जाती। तो यहाँ पे सेकंड कैंडल चाहिए, यहाँ पे अगर परचेस कर लो, तीन चार कैंडल रुको, तीन चार कैंडल के बाद सेल कर दो, 3-4 रुपये मिल गए, 15-20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे में तो खुश। आपको 100 पॉइंट के ऊपर 100 शेयर भी आपने परचेस किए रहते इसके, तो आपको 500 रुपये मिल गए रहते, राइट? आप इसका शॉर्टिंग, आप अगर सेल को आपको शॉर्ट करते हो, शॉर्ट मीन्स पहले सेल करना बाद में परचेस करना, ऐसे भी होता है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए जैसे ये 70 के नीचे आ रहा है, पहली रेड कैंडल बनी यहाँ पे, सेकंड कंफर्मेशन के लिए रेड कैंडल बनी ये, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर लिया ये स्टॉक को 747 पे। कल की बात है, ये 14:15 में, 2:15 में अगर हमने इसको सेल किया रहता, और बाद में 2-3 कैंडल रुक के हमने यहाँ पे इसको परचेस किया रहता, तो 747 से लेके 739, ऑलमोस्ट गाइस 11 रुपीज, 11 रुपीज, 8 रुपीज आपको ये 2:15 में, ये थी 3 बजे, आपको 45 मिनट में 8 रुपये पर स्टॉक। 100 अगर स्टॉक आपने सेल किए रहते, शॉर्ट किए रहते, तो आपको 800 रुपये मिल जाते रहते। तो गाइज ये अभी और एक स्टॉक के साथ देखते हैं, चलो ये टॉप हमने गेनर्स का साथ देखा, टॉप लूजर के साथ देखते हैं। SBI लाइफ है, चलो SBI लाइफ के साथ देखते हैं, पहले ही SBI लाइफ है। SBI लाइफ अभी क्लिक करना आपको, देखो SBI लाइफ आज क्या होगा, 25 तारीख, 25 तारीख को पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल पे अगर आपने या जैसी ग्रीन बनी आपने ले लिया रहता 802 रुपये में, और उसका टॉप एंड 809 रुपये में सेल किया रहता, 7 रुपये मिल गए रहते। अब देखो जैसे ये 70 के नीचे आ रहा, पहली ये रेड कैंडल बनी, दूसरी ये ग्रीन बनी, तो यहाँ पे गाइज नहीं लेना है, याद रखना, ये मार्केट पलट भी सकता है। तो आपको कंफर्मेशन के लिए 2 कैंडल एक के पीछे एक चाहिए, और ये बीच में भी, ये 70-30 के बीच में भी कुछ भी हो, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, आपको कुछ नहीं करना है इसके साथ, इसकी खिलवाड़ नहीं करना है इसके साथ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कुछ भी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ले सकता है। अपने को 70 लाइन और 30 लाइन इसके ऊपर ही खेलना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से 2:15 में ये ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड कन्वर्जन के लिए और एक ग्रीन कैंडल बनी, हमने यहाँ पे 795 रुपये में बाय किया रहता, और यहाँ पे हमने 2 कैंडल 3 कैंडल रुक के, जैसे जब तक ये नीचे ऐसे आता नहीं तब तक हम रुके रहते, और यहाँ पे हमने 798 कितने में रहा, हमने 795 और 798, 3 रुपये मिल गए रहते 15 मिनट में, राइट? हम इसके बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं, चलो। अब देखो ये है 23 सितंबर को 2 बजे की बात, ये पहला रेड कैंडल बना, पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे गाइस, और ये बीच में तो हम कुछ कैसे करते नहीं है, तो करेंगे नहीं, थोड़ा तो इसका बैक टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए पहली एक, दूसरी नहीं, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ग्रीन में हुआ, तो शॉर्ट के लिए यहाँ पे ये कोई भी सिग्नल ऐसे नहीं दे रहा, हाँ शायद यहाँ पे दे रहा। ये देखिए 18 सितंबर को 2:15 में इसने पहली कैंडल बनाई, दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इसने बनाई दूसरे दिन 21 सितंबर को सुबह। देखिए यहाँ पे अगर इतना शॉर्ट शॉर्ट किया रहता ये कैंडल 847 के रुपये ऊपर, 3-4 कैंडल रुक के आप यहाँ पे इसको परचेस कर लेते तो आपको 7 रुपये मिल जाते थे 10 बजे। तो गाइज इस तरीके से ये हैकिंग ऐसे काम करता है। तो गाइज आप पहले इसको यूज करने के पहले आप 50-100 चार्ट को स्टॉक के साथ इसकी बैक टेस्टिंग करो, प्रॉपर इसके साथ अलाइन हो जाओ, उसके बाद ये स्ट्रेटजी को यूज करना है। और गाइज ये स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, आपको एकदम इजी वे, NSE.India पे जाना, लाइव मार्केट पे जाना, टॉप गेनर स्टॉप लूजर देखना, 9:15 9:30 बजे कौन से है पता चल जाएंगे, और वही स्टॉक को यहाँ पे
डालना है और उसके साथ करना है, क्योंकि ये निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक होते हैं, ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होते मार्केट में, इधर उधर ज़्यादा उछल उछल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे आपको देखना, और इंट्राडे में आराम से आप 20,000 25,000 रुपये के साथ 500,000 रुपये पर डे आप आराम से कमा सकते हो। पर ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कभी भी मार्केट न्यूज़ आने के बाद इधर उधर हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि डिस्क्लेमर एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। कभी कभी देखिए आपने यहाँ पे ये नीचे भी आ रहा है पर सिग्नल भी दे नहीं रहा है, ऊपर भी जा रहा है पर सिग्नल भी नहीं दे रहा, ऐसे ऐसे होता है कभी कभी। पर गाइज इसको इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये 70-30 के ऊपर स्टिक रहना है और इसी के बीच में सब कुछ करना है, और शायद ये आउट ऑफ 10 3 बार 2 बार काम नहीं करेगी, पर मेरे एक्सपीरियंस के साथ ये 6 से 7 बार काम करेगी ही करेगी, और 6 से 7 बार भी रेशियो काफ़ी बढ़िया होता है। तो गाइज़ मुझे लगता है आपको ये प्रॉपर वे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, आप कौन सा स्टॉक परचेस कर सकते हो। तो गाइज इस समय मुझे लगता है कि एससीएल टेक्नोलॉजी ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप इस स्टॉक के साथ थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जा सकती है। गाइस देखिए ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये जैसी आपको लगता है ये 30 के ऊपर, अगर यहाँ पे इसने सेकंड लाइन ग्रीन दो एक के पीछे एक अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया तो आपको ये स्टॉक को आप बाय कर सकते हो, और ये आपको 10-15 रुपये का आराम से एक ही दिन में 1-2 घंटे में अच्छे से कल परसों आपको रिटर्न्स दे देगा। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कुछ भी अगर आपको लगा डाउट है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ सुनना और करके देखना, ठीक है। तो गाइज अभी थोड़ी मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात ऐसी है कि अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन कर देते हो आपको मेरे एक पर्सनल व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ आपको, जहाँ पे मैं आपको डेली कुछ इंट्राडे के स्टॉक बताता हूँ और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक देता हूँ। 6 महीने के लिए ये सर्विस फ्री है, उसके बाद 1500 रुपये पर मंथ इसकी चार्जेस है। गाइज यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, लिंक है वहाँ पे, क्लिक करने के बाद आपको 5 मिनट में आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। 0 रुपये डिलीवरी चार्जेस है, 20 रुपीज़ इंट्राडे के चार्जेस है। तो आप डिलीवरी में एक दिन के ऊपर अगर स्टॉक कर रखते हो तो 0 रुपये चार्जेस है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। एक ही दिन में आप वो स्टॉक को परचेस सेल करते हो तो 20 रुपये इंट्राडे है, ये टोटल ट्रांजेक्शन के ऊपर होता है। जैसे कि आपने अगर 1 लाख के शेयर परचेस किए तो 1 लाख के ऊपर 20 रुपये सिर्फ, फ्लैट 20 रुपीज़ है। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बिंदास होकर व्हाट्सएप डाल सकते हो, तो आई विल जो भी है आपकी इशू आई विल रेक्टिफाई दैट। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि ये हैकिंग सैशी स्टोकेस्टिक आरएसए कैसे काम करते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो गाइज चलो मैं रुकता हूँ।